हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है पीरियड टेबल का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि उस लेक्चर ही बोलोगे। ठीक है, हम लोग अभी ये पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, मतलब जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट सेल है उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स आएगा क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है और ये सेल तो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हम लोग इस अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चे, कहानी क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे दो चीज आपको पूछा जा सकता है। एक तो होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब आप लोग एलिवेटर पीरियड चलोगे लेफ्ट टू राइट, इस चलोगे आप लोग, या फिर क्या होगा देखो ना टॉप टू बॉटम होगा ऐसे है। ठीक, मतलब एलिवेटर ग्रुप, अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल पा रहे हो, मतलब मान लीजिए आपको चार एलिमेंट गिवन रहा, दो एलिमेंट गिवन रहा, तीन गिवन रहा, कुछ भी गिवन रहा, अगर आप कंपेयर करके ये बोल पा रहे हो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किसका कम है, तो याद रखना आप पीरियडिक टेबल के इतना क्वेश्चन आएगा उसमें देखो 85% क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाओ अगर आप बस ये बोल पा रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल पा रहे हो, क्योंकि आप इतना कि जो मैक्सिमम कंसेप्ट है इसके ऊपर बेस होगा, इसको हम लोग ग्राउंड मान के चलेंगे। ठीक है, ये बेस है, इसको हम लोग ग्राउंड मान के चलेंगे। तो पहली बात क्या है कि चलिए लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, कहां चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब एलंगर पीरियड ऐसे चलना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, तो पहला एलिमेंट में उठा रहा हूं सोडियम, दूसरे एलिमेंट है मैग्नीशियम, तीसरा एलिमेंट है एल्युमिनियम। इतने से आप लोग पता चल जाएगा कि क्या करनी है भाई हमको बात है। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के पास हम लोग जा रहे हैं। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, और आपको पता है कि ये तीनों जो एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड का है, मतलब ये बात क्या बना तीन सेल होगा इनमें से। अगर ये वाली बात आपको डाउट होगा तो आप पुट करो, कंफ्यूजन को पुट करोगे तो हीलियम से नियन के बाद ये 3s1 आएगा, नियन के बाद यहां पे 3s2 आता है, नियन के बाद ये 3s2 और क्या आएगा 3p1 आता है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें तीन ही सेल प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अभी यहां पे ड्रॉ कीजिए। अच्छा, 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब क्या है? इसके पास 11 प्रोटॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब क्या है? 12 प्रोटॉन है। थर्ड एटॉमिक नंबर है तो 13 है, 17 प्रोटॉन होगा। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं 11 प्रोटॉन, हम लोग बस इसको भी लॉजिक लगा के समझेंगे। ठीक है ना, जब हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में जब मैं आपको स्लैटर सूट पढ़ाऊंगा तब आप लोग प्रूव कर सकते हो, मैथमेटिकल प्रूव कर सकते हो। चलिए, तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है और तीन सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ड्रॉ किया। अभी आप लोग मैग्नीशियम के पास आए, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसका भी तीन सेल्स प्रेजेंट है। अभी आप एल्युमिनियम के पास आइए, इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन प्रेजेंट है और तीन सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, बस कंपेयर ही करना। अभी देखिए आउटर मोस्ट सेल को, जो बाहर जो सेल, ठीक है, इसको कितना प्रोटॉन्स खींच रहे हैं? 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, क्योंकि सारे के सारा काम तो आउटर मोस्ट सेल पे ही होगा। आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, आउटर मोस्ट से गेन होगा, आउटर मोस्ट सेल को लेके हम लोग रेडियस निकालेंगे, जो भी काम है आउटर मोस्ट सेल को ही बनेगा। तो यहां पे जो आउटर मोस्ट सेल है उसको 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, उसी सेम टाइम में अगर आप मैग्नीशियम बोल रहे हो तो इसमें आउटर मोस्ट सेल को 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं। उसी सेम टाइम में आप एल्युमिनियम के पास आइए, देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल को 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो भाई सेल नंबर तो बराबर है ना। हाँ, एलंगर अगर आप पीरियड जा रहे हो, आप अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सेल नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। इसमें भी 300 300 300, लेकिन यहां पे 300 को सेल को 11 प्रोटॉन खींच रहा है, यहां पे 12 खींच रहा है, यहां पे 13 प्रोटॉन खींच रहा है। अभी आपको पता ही लग गया होगा किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसमें होगा इसी वाली बात करो, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, ज्यादा खींचेंगे किसको, उसको पास लाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या हुआ ना, ये बन गया। बस हम समझे ना आपको कैसे हो। अगर मैं आपको और एक बात आर को दू, सिलिकॉन आर को दू और एक फॉस्फोरस आर को दू, ये 14 नंबर पे और ये 15 नंबर पे, तो यहां पे आप लोग क्या बोलोगे? ज्यादा अट्रैक्शन कहां पे आएगा? फॉस्फोरस के पास, फॉस्फोरस के पास आ जाएगा, क्योंकि इसके पास देखिए 15 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो जिससे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या होगा ना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और ये सेल को अपने पास खींचना है। कहानी क्लियर?
तो भाई बात याद रखना, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम हम लोग लिए थे, सेल को हम लोग ड्रॉ किए, हर एक में तीन तीन सेल प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर वेरी किया, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 13 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, तो ज्यादा खींचेगा, मैं इन तीनों को समझा रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा खींचेगा तो फोर्स रिडक्शन एल्युमिनियम से ज्यादा होगा। अगर आप सिलिकॉन और फॉस्फोरस को भी अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो किसका ज्यादा हो जाएगा, फॉस्फोरस का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कहानी क्लियर। तो हम लोग याद रखें कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और सेल क्या है, क्लियर हुआ बातें क्या बच्चे, समझे आपको? अगर जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट चलोगे ज्यादा खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास 12, एल्युमिनियम के पास 13, फिर स्टोरी क्या है बताया आपको। अगर आपको एक सवाल पूछा जाए, सवाल क्या है कि मान लीजिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपको बोरॉन पूछा है, ठीक है, इन जो चारों एलिमेंट प्रेजेंट है इनमें से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट किसका ज्यादा, आप पहले ढूंढिए कि इस चारों के चार सेम पीरियड का है या नहीं, सेम पीरियड का है, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 9, इसका 5, और ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, अगर आपका डाउट होगा तो आप देख लेना, ठीक है, पीरियड नंबर 7, तो यहां पे सेकेंड पीरियड मतलब दो सेल्स प्रेजेंट होंगे, दो सेल को पांच खींच रहे हैं, पांच प्रोटोन अट्रैक्ट कर रहे हैं, सात अट्रैक्ट कर रहे हैं, आठ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नौ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां पे होगा, 9 पे, सिंपल सी बात है भाई, आपको पता होगा आप लोगों को, हाँ, तो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन हो गया। अभी आइए आगे चलिए कि अगर हम लोग टॉप बॉटम पे आए, देखिए यहाँ पे थोड़ी बातें ऐसी कुछ है कि अगर क्या हुआ कि अगर आप टॉप से बॉटम जा रहे हो, मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब कहां पे आ रहे हैं, ग्रुप पे आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे लिथियम है, फिर उसके नीचे क्या है सोडियम है, उसके नीचे क्या है पोटेशियम है, छोटा एटॉमिक नंबर क्या है कुछ जरूरी नहीं, दिल बोलेगा तो लिख लेना, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, लेकिन ये भाई फर्स्ट पीरियड का है, मतलब इसके पास एक सेल होगा, चलो मैं लिख लेता हूं, इसके पास एक सेल है, इसके पास दो सेल्स होंगे, इसके पास टू सेल्स होंगे, टू सेल्स होंगे इसके पास, जबकि इसके पास तीन सेल्स होंगे, ठीक है, तीन सेल होगा इसके पास, थ्री सेल्स होगा, और इसके पास चार सेल्स होंगे, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का है। अभी हम तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, एक सेल में ड्रॉ किया क्योंकि एक सेल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दो सेल, न्यूक्लियस तीन सेल, न्यूक्लियस चार सेल्स बने, सिंपल से लगे अगर आप लोग लगाओगे कि सर यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हम बस यही लॉजिक लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो सेल नंबर फिक्स नहीं है ना, जब मैंने आपको पढ़ाया लेफ्ट टू राइट पढ़ाया वहां पे देखिए सेल नंबर फिक्स था, हम इसे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेल नंबर फिक्स नहीं, यहाँ पे सेल नंबर वेरी कर रहा है, अभी यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा ध्यान देके सुनना। अच्छा ये इसे क्या करें यहां पे, क्योंकि न्यूक्लियस प्लस है आउटर मोस्ट माइनस है, कोई बात नहीं, यहां पे ये प्लस है ये माइनस है अट्रैक्शन होगा, यहां पे ये प्लस है ये माइनस है अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसी सेम टाइम में क्या होगा, देखो जब न्यूक्लियस ने इसे खींच रहा है, जब न्यूक्लियस ने इसे खींच रहा है उस अंदर एक प्रेजेंट है, ये थोड़ा बिहेव करो, ये क्या है नेगेटिव है, ये सह नहीं पाएगा, न्यूक्लियस का और जो आउटर मोस्ट सेल के बीच जो रिलेशनशिप है इसको ये सह नहीं पाएगा, ये क्या करेगा ना इसे रिपेल करेगा, उसको रिपेल करेगा, क्यों रिपेल करेगा, ये माइनस सेल क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो ये क्या करेगा इसे रिपेल करेगा, तो बात समझिए न्यूक्लियस कोशिश कर रहा होगा कि उसको खींचने के लिए, हाँ उसी सेम टाइम में जो अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो आउटर मोस्ट सेल को खींच रहा है, मतलब सिर्फ अपोज कर रहा है उसको, उसको रिपेल कर रहा है उसको, तो जितना खींचने के लिए जितना अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस चाह रहा होगा उतना अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यार इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा, बस समझ पा रहे ना।
अभी ये क्या होगा कि इसको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन देखिए इन दोनों जो बीच में प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि भाई सेम चार्ज है, ये दोनों भी क्या है ना इलेक्ट्रॉन्स का सेल है, तो ये दोनों क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज दोनों नेगेटिव है, तो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स होनी चाहिए उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। मान लीजिए मैं जितना पढ़ाता हूं उसका ऊपर 100% मान लीजिए, आपके पास पहुंचते पहुंचते या फिर आपको ओनली 5% समझ में आया, ठीक है, तो बाकी 95% क्या रिपल्सन हो गया, यहां से बात कुछ करने में रिपल्सन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सेम बात देखो, यहां पे ये कोशिश कर रहा होगा कि न्यूक्लियस इसको खींचने के लिए, लेकिन आप यहां पे देखें न्यूक्लियस 2 सेल्स था, यहां पे देखें न्यूक्लियस 3 सेल्स था, यहां पे देखें न्यूक्लियस 4 सेल्स था। अभी आउटर मोस्ट सेल को एक रिपेल कर रहा है, लेकिन जब आप थर्ड पीरियड के पास आ रहे हो ना, बीच में दोनों सेल्स प्रेजेंट इसे रिपेल कर रहे हैं। अगर आप फोर्थ पीरियड के पास आओगे ना, बीच में 3 सेल्स प्रेजेंट इसे रिपेल करेंगे, तो रिपल्सन फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात भाई, दोनों बड़ा अपोजिट होते हैं ना, अगर इसका अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, अगर किसका रिपल्सन ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, जो अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जितना न्यूक्लियस का दिल बोल रहा होगा उसको खींचने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उतना अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो बीच में प्रेजेंट है वो आउटर मोस्ट सेल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बोलेंगे तो दूर रहा तो पास नहीं आएगा। बस अगर यहां पर मैं बोल तो मैं आपको पूछू इन चारों में से अट्रैक्शन फोर्स कम किसका होगा, पोटेशियम का होगा, क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट है, इसके इसके अंदर जो 3 सेल प्रेजेंट है ये आउटर मोस्ट सेल को रिपेल करेगा। अगर आप बोलोगे अगर इसके बाद क्या है, अगर पोटेशियम के बाद क्या है, मान लीजिए रुबिडियम है, ठीक है, अब इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस के बाद 5 सेल्स हो गए, इसके पास 5 सेल, 1 2 3 4 5, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसा है, 5 सेल्स प्रेजेंट है। यहां पे सोडियम के केस में 3 सेल रिपेल कर रहे थे आउटर मोस्ट को, लेकिन रुबिडियम के केस में 4 सेल अभी रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट सेल, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, और थोड़ा कम हो जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में बोला जाए कि अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा कि देखिए यहां पे लिथियम के पास 2 सेल्स प्रेजेंट है, सोडियम के पास 3 सेल्स प्रेजेंट है, पोटेशियम के पास 4 सेल्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट होने से क्या होता है, अट्रैक्शन तो होनी चाहिए ना, अट्रैक्शन के साथ साथ जो सेल्स अंदर प्रेजेंट है वो आउटर मोशन को रिपेल दे देंगे, आने नहीं देंगे। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स होनी चाहिए उतना नहीं हो, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझे आप? तो ये जो जो सेल्स अंदर प्रेजेंट है जो कि रुकावट बन रहे हैं न्यूक्लियस और क्या होता है ना सेल के बीच में, जो रुकावट बन रहे हैं, जो विलयन रोल कर रहे हैं न्यूक्लियस और आउटर मोशन सेल के बीच में, उनको हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सीलिंग इफेक्ट। मैं कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, उसको बोलते हम लोग बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट। सील पता होगा, अपोज करने वाली बात होता है, सील्डिंग इफेक्ट जो कैप्टन अमेरिका जो सील देख सकता है, देखो कैप्टन अमेरिका, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। ये क्या करेगा ना, अपोज करेगा, मतलब खींचना नहीं देगा, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उनको ही रुकावट बनेगा, उनके लिए रुकावट बन जाएगा। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स होनी चाहिए उससे कम हो जाएगा। तो भाई जिससे ही आप लोग टॉप टू बॉटम आओगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात तो याद रखना, लेफ्ट टू राइट चलोगे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट चलोगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है ना, इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। जिससे आप लोग टॉप टू बॉटम आओगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो आउटर मोशन को रिपेल करेंगे, बोलेंगे तो दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। कहानी समझ में आया आपको? जिससे आप लोग नीचे की ओर चलोगे उतना सेल्स इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होने के साथ साथ अंदर में जो प्रेजेंट होने वाले जो सेल होते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला 3 सेल जब था, बीच में 2 प्रेजेंट थे, आउटर मोस्ट में एक है। जब भाई 4 सेल बना, बीच में 3 सेल्स है, आउटर मोस्ट में एक है। जब 5 सेल आ गया, बीच में 4 सेल प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट। जैसे आप लोग नीचे नीचे आओगे ना तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होता है। तो हम लोग रिपल्सन नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे ना, सेलिंग इफेक्ट या स्किनिंग इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज। क्लियर?
और हम लोग रिपल्सन नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो अपोजिट जो रिपल्सन वाले फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आया आपको? फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, फिर मिलेंगे, चलते चलते।